हेलो बच्चों, आज हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि आर एच वी टेकर ने दिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की रूपरेखा आर एच वी टेकर ने 1969 में प्रस्तावित की थी। पांच जगत वर्गीकरण का मुख्य आधार निम्नवत लक्षणों पर आधारित है, जैसे कोशिकीय संरचना एवं संगठन की जटिलता, जो कि प्रोकैरियोटिक जीव तथा अथवा यूकैरियोटिक जीव में देखने को मिलता है, पोषण की विभिन्न विधियां स्वपोषी है कि विषम पोषी है, तथा शारीरिक संरचना जैसे एक कोश की है अथवा बहु कोश की है। प्रस्तावित पांच जगत वर्गीकरण में जीवों की कोशिका भित्ति एवं भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर एक अलग जगत किंगडम फंजाए में सभी प्रकार के फफूंद को सम्मिलित करके वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार समस्त प्रोकैरियोटिक जीवों को पृथक अलग जगत किंगडम मोनेरा में वर्गीकृत किया गया। इस जगत के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा को सम्मिलित किया गया और किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत समस्त एक कोशिकीय यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया। इस जगत के अंतर्गत डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम एवं स्लाइम मोल्ड्स को सम्मिलित किया गया। पांच जगत पद्धति प्राकृतिक रूप से प्रारंभिक जीवों, पादपों एवं जंतुओं के विकास को दर्शाती है। वीटेकर ने क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एवं स्लाइम मोल्ड्स आदि एक कोश के मध्यवर्ती स्वरूपों को अपार जैविक विविधता के होते हुए भी एक अलग जगत यानी किंगडम प्रोटिस्टा में विभिन्न प्रकार के जीवों को एक ही समूह में वर्गीकृत किया। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया जिनकी संरचना एवं जनन में अन्य जीवों से भिन्न थी। शरीर क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक लक्षणों में फंजाए अन्य सभी पौधों में से भिन्नता दर्शाते हैं, इसलिए वीटेकर ने कवकों यानी फंगाए को पृथक जगत किंगडम फंगाए में वर्गीकृत किया। कोशिका संरचना एवं शरीर संगठन की जटिलता एवं पोषण विधि पर पांच जगत पद्धति आधारित है।